दोस्तों वेलकम टू एम ए टी वी स्टूडियोस। आप जानते हैं कि भी हमारा जो प्रोग्राम है मल्टीलिंगुअल प्रोग्राम है, कभी हम उर्दू का प्रोग्राम करते हैं, कभी पंजाबी का करते हैं, कभी गुजराती का होता है, कभी अंग्रेज़ी का होता है और हिंदी का भी होता है। और आज जो प्रोग्राम है जी उर्दू में होगा। हमारे पास उर्दू के बहुत आला बेहतरीन दो शायर हैं, उनका तारफ मैं आपको करवाता हूँ। उनको जहमत दी हमने, वहाँ यहाँ आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम। वो हैं जनाब राना रज़ाक साहब, इस तरफ बैठे हैं। और जी ही वॉज़ बोर्न इन होशियारपुर, जो पंजाब में है, मतलब इंडिया का जो पंजाब है, पंजाब तो है ही, एक पाकिस्तान का पंजाब है, एक इंडिया का पंजाब है। 1947 में डिवाइड हो गए थे, जे होशियारपुर से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान से हैं नाउ, और चार किताबें जो लिख चुके हैं। एंड ही इज़ आल्सो फॉर्मर एडिटर ऑफ गोशाए अदब, और उसके साथ साथ एक वेबसाइट जो चलाते हैं, एक मैगज़ीन चलाते हैं, पेपर में है या नहीं वो अभी हम पूछेंगे इनको। उसका नाम है कंदीले अदब, और हम इनको पूछेंगे कंदीले अदब क्या होता है। तो मंथली है वो, उर्दू में निकलता है मैगज़ीन। एंड ही हैज़ ऑर्गेनाइज क्वाइट ए फ्यू मुशायरा, अबाउट 20-25 मुशायरे ऑर्गेनाइज इन्होंने किए हैं। बहुत देर नहीं हुई इनको इस मुल्क में आए हुए, लेकिन इट्स ब्रीफ जो टाइम है 10-15 साल में इन्होंने बहुत कुछ दिया है उर्दू अदब को, और हमारा जो मुआशरा है जहाँ इंडियन है पाकिस्तानी उनके लिए बहुत इन्होंने काम किया है। एंड पोइट हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं, और ऑर्गेनाइज करते हैं मुशायरे, और लंदन की जो लिटरेरी सर्कल है उनमें जाने पहचाने जाते हैं, बहुत सी लैंग्वेजेस जानते हैं, उनमें पर्शियन है, अरेबिक है, उर्दू है, पंजाबी है, और अगर उर्दू जानते हैं तो इनको हिंदी भी आती होगी, अंग्रेज़ी भी आती है, तो इनका स्वागत करते हैं। तो राना रज़ाक साहब सलाम अलैकुम, और हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत, खैर मकदम। तो दूसरे हमारे पास शायर हैं और सिंगर हैं, एक्चुअली उस्ताद कहते हैं इनको, उस्ताद नईम सलेरिया। और सलेरिया साहब जो हैं, ही वॉज बोर्न इन जम्मू, जम्मू कश्मीर श्रीनगर से पहले जो आता है आप शायद जानते हो कि वहाँ अगर गए हैं तो जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं। बट ही वॉज एजुकेटेड इन पाकिस्तान, और 1962 में इस देश में आए, और जैसे आम लोग हम लोगों ने मतलब संघर्ष किया, स्ट्रगल की इस देश में, मशक्क़त की, इसी तरह से इन्होंने भी की, और आज इनका जो मकाम है वो जो गायकी का जो सर्कल है और जो अदब का जो सर्कल है उनमें जाने पहचाने हैं, और इंडियन हाई कमीशन जो है वो इनको ऑनर कर चुके हैं, और पाकिस्तान के हाई कमीशन का जो अदारा है वो भी इनको ऑनर कर चुके हैं। बहुत अच्छा है, गाते हैं, इनकी बहुत मेहरबानी कि इन्होंने कुछ मेरी चीज़ें भी इन्होंने गाई हैं। कभी फिर उसके बाद जब बातें और करेंगे तो वो इसके बारे में बताएंगे। आपका स्वागत, खैर मकदम, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए। और नईम सलेरिया साहब, तो दोस्तों बड़ी गर्मी है आज, तो कैसे महसूस करते हैं आप? नहीं, गर्मी तो होनी चाहिए, बेहतर मौसम है, हमारे मुल्कों की तरह है, और हमें गर्मी देखकर खुशी होती है, खुशी होती है। लेकिन गर्मी तो लगती है, लेकिन हमारे मुल्कों में लोग खुश नहीं होते गर्मी को देख। नहीं, वहाँ मुसलसल गर्मी होती है, बिजली भी नहीं होती साथ, और कई और मसाइल भी गर्म होते हैं। जी देखो, एक मैंने एक दफ़ा एक नज़म लिखी थी या कुछ मैं लिखा था, जिसमें मैंने जिक्र किया था कि आज धूप निकली हुई है, मौसम बड़ा खूबसूरत है, वो कहते हैं यार धूप निकली है खूबसूरत कैसे हो गया। क्योंकि जियोग्राफिकली वो वहाँ रहते हैं जहाँ इतनी गर्मी पड़ती है, गर्मियों के साथ बीमारियाँ भी होती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, मच्छर भी होती है, मक्खियाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है उसमें, और जो ठंडा मुल्क होता है वहाँ नहीं होता। खैर, हमें इंग्लैंड में रहने वालों के लिए तो ये तो एक नेमत है कि वी गॉट सच ए ब्यूटीफुल वेदर टुडे। जो गोरे लोग हैं और हमारे जैसे जो पहले से आए हुए हैं वो चू चू कर रहे हैं कि भाई क्या हो गया इतनी गर्मी है। आप, हमने जब आए तो हम यही बात की ना, बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी। अच्छा, तो क्योंकि गर्मी तो होनी चाहिए, अगर गर्मी अंदर है तो आप अच्छा लिख सकेंगे, अच्छा सोच सकेंगे और जिंदगी की बरकरारी रहती है। तो आप बहुत काम करते हैं, खासकर ये जो आप जो एक मैगजीन, मैंने देखा वो मैगजीन, बड़ी मेहरबानी आपने मुझे भेजा भी,
मैं बेशक उर्दू थोड़ी मुश्किल में पढ़ता हूँ लेकिन पढ़ लेता हूँ, तो उर्दू ज़बान बड़ी नफीस बढ़िया, और कहते हैं कि अहलकारों की ज़बान है, जो खुद मुख्तार मतलब हुक्मरान लोग होते हैं उनकी ये ज़बान है। जी जी, जब आप आपने मैंने देखा कि आप पर्शियन भी जानते हैं, आप अरेबिक ज़बान भी जानते हैं, तो उर्दू जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताइए कि पर्शियन और अरेबिक का उर्दू के साथ क्या ताल्लुक है। ये जो हिंदुस्तान के जो हुक्मरान थे, ये असल में ये तुर्कमानिस्तान के इलाके मावराउल नहर के इलाके से आए थे। ये जो रूस का इलाका है, ये बाबर वहीं से आया था। तो इनकी असल में मादरी ज़बान फारसी थी। जब यहाँ आए तो इन्होंने हुक्मरानी के लिए वही ज़बान को रवाज दिया। बाबरी तुझके बाबरी जो है वो फारसी में सारी लिखी गई है। दरबार की जो जुबान थी वो भी फारसी थी। फारसी को काफी प्रमोट किया गया इंडिया में। बेशक संस्कृत तो बहुत सी अवाम की जुबान थी, मगर हुक्मरानों ने फारसी को रवाज दिया। फिर साथ साथ जब ये फौजें फौज भर्ती करने लगे इलाके के लोगों के, तो वहाँ जुबान उर्दू वजूद में आई। उर्दू ज़बान इस तरह वजूद में आई कि ये इस उर्दू का मानी है लश्कर यानी फौज। तो उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, असल में खुद उर्दू ज़बान लफ्ज़ तुर्की ज़बान का है। अच्छा, हाँ, इसमें मुख्तलिफ नौ के लोग, मुख्तलिफ इलाकों के लोग थे, और उनको चाहिए था कि एक ऐसी ज़बान बोलें जो सारी समझ आए। कोई हिंदी बोल रहा था, कोई पंजाबी बोल रहा था, कोई पश्तो बोल रहा था, जैसे कि इंडिया में बहुत सी ज़बानें हैं। तो ये ज़बान दक्कन से शुरू हुई है, 400 साल पहले की बात है। तो ये जब एक ज़बान बन गई तो इसको इसका नाम उर्दू रखा गया। पहले इसका नाम रेख्ता कहते थे। रेख्ता का मतलब है, फारसी से है, रेख्तन मस्दर है, रेख्तन से मतलब टूटा हुआ, शिकस्ता, यानी टूटी फूटी ज़बान थी उर्दू पहले, इसको पहले रेख्ता कहते थे। फिर उसके बाद जब ये प्रॉपर उर्दू ज़बान की शक्ल इसने इख्तियार की तो इसको फिर उर्दू कहा जाने लगा। राइट, और इसकी जो स्क्रिप्ट है उसको फारसी स्क्रिप्ट कहते हैं, क्योंकि वही से जाई है। क्योंकि जो संस्कृत है, जो बाकी बहुत सी इंडिया की ज़बानें हैं साउथ की ज़बानों को छोड़कर, उनकी जो माँ है वो संस्कृत है, लेकिन उर्दू की माँ संस्कृत नहीं है। नहीं, मगर संस्कृत के बहुत से अल्फाज इसमें इस्तेमाल होते हैं। वो तो इसलिए है ना, क्योंकि वो क्योंकि ज़बान जो है, क्योंकि आपने जैसे पहले कहा कि भाई हुक्मरान बाहर से आए, हमले करते रहे, पंजाब पर हमले किए, पंजाब पर बहुत हमले किए, वहाँ से आए। जी जी, और जो पंजाबी ज़बान है इसमें उर्दू के बहुत अल्फाज मिलते हैं, यहाँ तक कि उर्दू के अपने अंग्रेज़ी के भी मिलते हैं। वो तो इसलिए क्योंकि उन्होंने भी हम पर हुकूमत की। जी जी, वो कोई ज़बान तो क्योंकि वो तो मिक्सचर हो जाता है उसमें। बिल्कुल जी, तो आप क्योंकि जम्मू में पैदा हुए तो वो भी वहाँ भी उर्दू का हिंदी का एक मुआशरा था, वहाँ वहाँ के बारे में बताइए आप। असल में ये बात है कि पाकिस्तान में थोड़ा है, कुछ उसके बाद हम आ गए थे, मैं छोटा ही था उस वक्त, इतना ज़्यादा नहीं जानता अपने। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर उर्दू ही बोली जाती है, और उनकी नेशनल लैंग्वेज भी हमारी यही है। और लैंग्वेज के हिसाब से तो मैं जो अपना जाती नज़रिया पेश कर सकता हूँ कि एक जैसे आप एक एक धागा बुन कर एक चीज़ बनाते हैं, तो मेरे ख्याल में सब लैंग्वेजेस काबिल एहतराम है, समझे, उर्दू भी काबिल उतनी काबिल एहतराम है, सब लैंग्वेजेस हैं। हाँ, वो काबिल एहतराम तो है, लेकिन लेकिन बात ये होती है जैसे अंग्रेज़ी है ना, क्योंकि जो जो जिस लैंग्वेज में आप अपनी रोज़ी कमा सकें उसको लोग पढ़ना चाहते हैं। इस देश में जो हमारे जो बच्चे हैं, डजंट मैटर कि कितना हम उनको कहते हैं कि भाई पंजाबी सीखो, उर्दू सीखो, संस्कृत सीखो वगैरह, संस्कृत नहीं हिंदी वगैरह, तो वो कहें कि आई वुड रादर लर्न जर्मन और फ्रेंच ताजो मुझे रोज़गार वहाँ मिल सके। और उर्दू जो ज़बान है वो पाकिस्तान की ज़बान है, नेशनल लैंग्वेज है, वहाँ सारा कुछ उर्दू में होता है और इंडिया में हिंदी है, लेकिन फिर भी जो अंग्रेज़ी है दैट इज़ कंसिडर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ अर्निंग मनी टू अर्न द लाइवलीहुड। बिल्कुल, लेकिन ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है ना कि वो अगर आप अपने बच्चों को, अब मेरे बच्चे हैं तो वो पंजाबी भी बेहतरीन बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, इंग्लिश भी, और बाकी इंग्लिश तो खैर उन्होंने बोलनी है, आगे जो उनके बच्चे हैं वो भी माशाल्लाह कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी एफर्ट जो है ना पेरेंट्स की भी उसमें ज़रूरी है कि वो ध्यान दें इस पर। तो आप क्योंकि ये भी 1962 में आए, मैं भी, क्योंकि बाय द वे
आज 1 जुलाई है ना, कल मुझे यहाँ आए हुए 53 ईयर्स हो गए माशाल्लाह, और आपको भी 53 हो गया, तो आप काफ़ी फ्रेश ही हैं सिर्फ तकरीबन कितने साल आप 10 साल आपको सिर्फ 10 साल हुए जब आप इस देश में आए, तो यहाँ के जो पहले रहने वाले जो लोग थे उनके बारे में आपके क्या तसरात थे, क्या सोचते थे आप, कैसे लोग हैं अंग्रेजों की बात नहीं, हम लोग नहीं, नहीं हम लोगों ने यहाँ आकर ना अपना कल्चर छोड़ा है ना इनका कल्चर अपनाया है हम कुछ आधे तीतर आधे बटेर हो गए पंजाबी भी हैं, बाद लोग हम में अंग्रेज भी हैं, वो अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे हैं, उस मुआशरे को अपना रहे हैं, बाद लोग हैं जो अपने कल्चर को साथ रखते हैं। राइट, पता प्रॉब्लम ये है कि आपने कहा कि अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे हैं, सम पीपल टेक इट एज अ वेरी डेरोगेटरी रिमार्क, नहीं आपने शायद, आपका तो ये इरादा नहीं था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं लवी बंदा अंग्रेज बन गया ऐसा कहने ना पर लेकिन दरअसल ज़रूरत इस बात की है कि हम जो यहाँ का जो माशरा है, यहाँ का जो कल्चर है, उसको भी समझने की कोशिश करें, उनको अपनाने की कोशिश करें, ये बुरा कल्चर नहीं है, क्योंकि कल्चर तो एक यूनिफाइड चीज़ है ना, कल्चर कोई बुरा नहीं होता, हम सब मिलकर एक कल्चर बनाते हैं। बिल्कुल। अच्छा तो एक पहले ना, क्योंकि हमारे व्यूअर सोच रहे हैं ये बातें करने लग जाते हैं और कुछ शायर लोग बैठे हैं, इनसे कुछ सुनाई, आप सुनाइए। मैं एक किताब सुनाऊंगा पहले, कुछ मजाइया सा है जी। दर बदर थे जो वो दीवारों के मालिक हो गए, मेरे सब दरबान दरबारों के मालिक हो गए। क्या बात माशाल्लाह। लफ्ज गूंगे हो चुके, तहरीर अंधी हो चुकी, जितने मुखबर थे वो अखबारों के मालिक हो गए। इंसाफ अनका हो गया, किजब की हो गई इंतहा, वकील जाबर हो गया, जज बालक हो गए। फिर कहिए। इंसाफ अनका हो गया, एक परिंदा है अनका जो उड़ जाता है, वो नजर नहीं आता, उसका ही हवाला है। इंसाफ अनका हो गया, किजब की होगी इंतहा, यानी झूठ की इंतहा हो गई। जी 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 जी। वकील जाबर हो गया और जज बालक हो गए, जज जो इंसाफ नहीं दे रहा, बच्चों की तरह कर रहे हैं। जैसी थी कौम वैसा राजा मिल गया, दुनिया के चोर मेरे वतन के मालिक हो गए। क्या बात। तो एक और है कुछ मैं कहना चाहता हूँ, आपका काफ़ी यहाँ टेन्योर है, 53 ईयर का आपकी बड़ी सर्विसेज हैं, आपने बहुत काम किया है यहाँ, मैं जानता हूँ, जिसकी तफसील का यहाँ तो वक्त नहीं है, मैं आपके बारे में कुछ शेयर कहना चाहता हूँ। हाँ, आश्ती अमरो मोहब्बत की ही पहचान है आप, वेरी गुड। जज्बा ओ मेहरो मोहब्बत में भी जी शान है आप, हुस्न इफकार में अशार का अनवान है आप, माशाल्लाह। नुदरते शौक में तखलीक की पहचान है आप, नवाजिश। शमाए किरदार में एक आला से इंसान है आप, माशाल्लाह। शब के दरवाजे पे नगमा सरा है तुम्हारी गजल, चांदनी रात में भी हैरत व गुमान है आप, सरनगू हो गए सुखनवर भी तेरे कदमों में, दौलते फिक्र में मोहताज से इंसान है आप, आपका जहन तवाना है तखय्युल बेदार, दौरे मेराजे तरक्की के सना खान है आप, वलवले दिल में तो आंखों में उमंगे रोशन, कितने औसाफ़े हमीदा की रगे जान है आप, माशाल्लाह। यूं है चेहरे से अयां हुस्ने अमल का परतो, खिदमते खल्क में एहसार का सामान है आप, गुहरे इश्क से खाली नहीं है आपका दिल, मनसबे शेर की मोहताज सी जबान है आप, क्या बात। उल्फते इश्क से फरोजा है जबी साथी की, उल्फते इश्क से फरोजा है जबी साथी की, अजम आदम के तखय्युल के भी निगेबान है आप, माशाल्लाह। आपकी कदरदानी हमें है और आपकी कदरदानी करनी चाहिए, आपकी खिदमात जो है वो मेरे दिल में थी, तो मैं इसलिए ये लिख के लाया हूँ कि साथी साहब की जो खिदमात हैं उनको कुछ
खराज तहसीन पेश किया जा सकता है। बहुत आपका मैं इस काबिल बनने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, ये तो आपकी आजजी है, ये तो आपकी खाकसारी है, हम जानते हैं। मैं आपको कई बार मिल चुका हूँ, शहरों में भी मिल चुका हूँ, बीटकों में मिल चुका हूँ, पार्लियामेंट हाउस में भी। तो माशाल्लाह आपने अदब की बहुत खिदमत की है, शुक्रिया, और अब तक कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जब अदब की बात करते हैं तो आप तो अदब लिखते भी हैं, यानी कि शायरी करते भी हैं, गज़ल कहते भी हैं, गज़ल गाते भी हैं आप, तो आपकी कोई महबूब गज़ल हो जाए इस सेक्शन में, फिर बाद में तो हम और सुनेंगे आपके से। जी, मैं सबसे पहले ये अर्ज़ करूं कि मैं ताल्लुक़ तो मेरा ज़्यादा मौसीकी से है जी, मुझे शौक़ है, और साथ साथ जो मुझे ये कलाम जो है ना को उतरता है तो वो मैं लिख लेता हूँ, लेकिन माज़र चाहता हूँ सब शुराए कराम से, क्योंकि मैं एक्चुअली शायरी के काबिल नहीं समझता अपने आप को। एज ए मैटर जो म्यूजिशियन होते हैं, जो गाने वाले होते हैं, उनको ज़्यादा पहचान होती है चीज़ों की, जो अदब लिखा जाता है, गज़लें लिखी जाती हैं, उनको ज़्यादा पहचान होती है। जी जी बिल्कुल। और कुछ ऐसे लोग मैंने देखे हैं, उनको मिला हूँ, दोस्त भी रहे हैं, जैसे जगजीत सिंह जैसे जो लोग हैं, वो कहते थे कि मैं शायरी की कदर करता हूँ, शायर की नहीं। वाह वाह। मतलब अगर कुछ लोग कहते हैं ना लवी जी 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 यार, नहीं मैं तो शायरी अच्छी होगी तो शायर की कदर बिल्कुल हाँ हो जाएगी। तो आपको तो बिल्कुल पहचान है कि कौन सी चीज़ बढ़िया है, कौन नहीं है। सो सुनाइए। आप अपनी अक्ल के मुताबिक ही पहचान है जितनी भी है। मैं सबसे पहले आपका और MA TV का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बायस है कि मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर राणा साहब जैसे मुफक्कर किस्म के लोग तशरीफ फरमा हूँ, और मतलब मेरे जैसा आदमी जो है ना, एक मैं एक नाचीज हूँ। अपना आपका अपना मकाम। थैंक यू। ये आपकी नजर कर रहा हूँ एक गजल। जब से अपना बना लिया तूने, जब से अपना बना लिया तूने, मुझको जीना सिखा दिया तूने। बहुत अच्छा, थैंक यू। एक ताल्लुक जो बन गया तुमसे, एक ताल्लुक जो बन गया तुमसे, मुझको बेगाना बना दिया तू। वाह वाह बहुत अच्छा, थैंक यू। तेरी हर अदा पे जान लुटा दी है, तेरी हर अदा पे जान लुटा दी है, ऐसा दीवाना बना दिया तूने। वाह जी वाह, थैंक यू। सुभान अल्लाह। क्या मिला नहीं प्यार में मुझको, क्या मिला नहीं प्यार में मुझको, अपनी पलकों पे सजा दिया तूने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपनी आंखों के जाम से ए जाना, अपनी आंखों के जाम से ए जाना, क्या नशा पिला दिया तूने। बहुत बहुत जी। हमारी ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद थोड़ी सी मौसम की भी बात करेंगे। मैंने गजल भी लिखी थी मौसम के बारे में, और आपसे और बातें होंगी। तो दोस्तों, आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ राणा रज़ाक साहब हैं और नईम सलेरिया साहब हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, इनके साथ बात होगी। वेलकम बैक टू MA TV स्टूडियोज, माई नेम इज साथी लुधियानवी, और थोड़ी देर के बाद हमारा जो स्क्रीन है उस पर मेरी ईमेल आईडी दिखाई देगी, तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड टू माई दिस रिक्वेस्ट। द रिक्वेस्ट इज दिस कि आप हमें फीडबैक कीजिए और बताइए कि ये जो प्रोग्राम हम दे रहे हैं ये आपको कैसे लगते हैं, और इनमें और सुधार कैसे आ सकता है, इनको और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ये आपने ज़रूर हमें बताना। अगर तारीफ की बात है वो भी कर देना, अच्छा रहता है। तो हमारे पास दो जो शायर मेहमान हैं वो हैं जनाब नईम सलेरिया साहब और राणा रज़ाक साहब। राणा रज़ाक साहब तो न्यूज़पेपर के एडिटर हैं और पहले भी एडिटर रह चुके हैं एक। हाँ, तो मैं आपसे पूछना चाहता था कि भाई कंदीले अदब जो है इसका मतलब क्या होता है? जी, कंदीला अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है शमा, कैंडल। जी, अदब लिटरेचर को कहते हैं। जी जी, कैंडल ऑफ लिटरेचर, उर्दू अदब का की शमा है ये छोटी सी।
जो मैंने दिला रखी है। बड़ा अच्छा नाम आपने रखा। फिर आप रह चुके हैं जो फॉर्मर एडिटर ऑफ गोशा अदब। जी जी, मैं अब भी वहाँ कॉलम लिखता हूँ हर हफ्ते। अच्छा, गोशा अदब अब भी मैं चला रहा हूँ। ये यूके टाइम्स से ताल्लुक रखता है? यूके टाइम्स से, वीकली है। तो मौसम की बात हम कर रहे थे, तो अगर इजाजत हो तो कुछ शेयर हो जाए। जी आप बहुत अच्छा प्रोग्राम तो आपका है। नहीं, नहीं, मैं तो वैसे नहीं, नहीं, हमें भी इल्म में मैंने कहा आप दोस्त है, कह देंगे कोई नहीं पढ़ लो भैया आप। नहीं, नहीं। ये मेरी बड़ी पसंदीदा गजल है ये, और मैंने इसको YouTube और Facebook पर भी लगाया। जी बहुत मेहरबानी, मेरी तो ख्वाहिश है कि वो बहुत अच्छा गाया, उसको जरूर वाच करें। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता चल गया कि YouTube पर है, आप वो सुन सकते हैं। आपको तो आज बड़ा ही यार सुहाना मौसम है, बहुत आज बड़ा ही यार सुहाना मौसम है, बल्कि कहिए कि मस्ताना मौसम है। आज बड़ा ही यार सुहाना मौसम है, बल्कि कहिए कि मस्ताना मौसम है। अपने शहर में तो मस्ताना मौसम है, अपने शहर में तो मस्ताना मौसम है, कैसा आपके शहर बताना मौसम, कैसा आपके शहर बताना मौसम है। इस मौसम में दिल में कुछ कुछ होता है, इस मौसम में दिल में कुछ कुछ होता है, चंचल मन को ये नजराना मौसम। तो शेर अनीम साहब के, हम ही दीवाने दीवाने नहीं सनम, हम ही दीवाने दीवाने नहीं सनम, लगता है कि खुद मस्ताना मौसम कहना चाहिए, सॉरी दीवाना मौसम। तो हम ही दीवाने दीवाने नहीं सनम, लगता है कि खुद दीवाना मौसम है। तेरी आंखों में भी कितनी मस्ती है, तेरी आंखों में भी कितनी मस्ती है, ऊपर से कैसा मस्ताना मौसम। तो शेर अजी, तुमको मिलने की वैसे भी चाहत थी, तुमको मिलने की वैसे भी चाहत थी, ऊपर से ये एक बहाना मौसम है, ऊपर से ये एक बहाना मौसम है। इश्क हमारा ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, इश्क हमारा बिल्कुल ऐसा नहीं है यार, जैसे होता आना जाना मौसम है, जैसे होता आना जाना मौसम है। उन लोगों के गम का भी एहसास हमें, उन लोगों के गम का भी एहसास हमें, जिनके शहर में एक वीराना मौसम है। तो शेर है कि जिसके जिसको मौसम की कोई पहचान नहीं, जिसको मौसम की कोई पहचान नहीं, उसके लिए तो ये बेगाना मौसम है, उसके लिए तो ये बेगाना मौसम है। तो लगता है चलने को तो साथी दुनिया चलती है, चलने को तो साथी दुनिया चलती है, मगर आज का तो अफसाना मौसम है। तो जे आज बड़ा ही यार सुहाना मौसम है, बल्कि कहिए कि मस्ताना मौसम है। तो गर्मी जनाब लंदन में कभी कभी पड़ती है, तो मस्ताना तो है। तो सुनाइए आप कुछ, फिर हो जाए। हाँ, तो मैं कहना चाहता था, सॉरी मैं कहना चाहता था, क्योंकि आप गा चुके हैं इसको, तो इसका कुछ मतला हो जाए, मकता हो जाए, बीच में एक दो शेर हो जाए। चले, मैं ये इनके दस्ते मुबारक से जो लिखा गया है उससे सीधा सीधा मैं पढ़ देता हूँ आपके। आज बड़ा ही यार सुहाना मौसम है, बल्कि कहिए के मस्ताना मौसम है। आज बड़ा ही यार सुहाना मौसम है, वास्की आया ना। इस मौसम में दिल में कुछ कुछ होता है, इस मौसम में दिल में कुछ कुछ होता है, चंचल मन को ये नजराना मौसम है। बख्तार किया जी। जी अर्शाद। चलने को तो साथी दुनिया चलती है, चलने को तो साथी दुनिया चलती है, मगर आज का अफसाना मौसम है।
आज बड़ा ही यार सुहाना मौसम है। बहुत शुक्रिया। तो अपनी कुछ चीज सुनाइए, आप आपसे शुरू कर लेते हैं फिर इनकी। ये मैं तो जा रहा था यही पढ़े। बिल्कुल, मैं एक मुझे पंजाबी का भी थोड़ा सा जी क्या बात है जी, कहो जी कहो। हाँ जी, पंजाबी दी अगर इजाज तो। हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं, क्योंकि असि सारे ते उर्दू जी साडी हां जुबान जड़ी है पंजाबी दी, मां बोली है। हां जी, जख्मां नूं हवा देवेंगी ते मेरी याद आएगी। आहा वाह। जख्मां नूं हवा देवेंगी ते मेरी याद आएगी, किसे नाल दगा करेंगी ते मेरी याद आएगी। बहुत अच्छा। रेत ते बना के तस्वीर मेरी घड़ी घड़ी। रेत ते बना के तस्वीर मेरी घड़ी घड़ी, फिर एनू मिटावेंगी ते मेरी याद आवेगी। दिल तो चाहता कि मिटावे ही ना। मैं लगता असर हो गया। एक साल से आए हाँ, और की साज तो अपनी हैगी है ना। बिल्कुल, नाले लुधियाने जम्मू एड्डी दूर नहीं है। फराड़कोट लंघ के आ जांदा। हां जी, नहर दे वगदे पानी विच परछां परछावें नूं वेख के। नहर दे वगदे पानी विच परछावां वेख के जुल्फां नूं सवारेंगी ते मेरी याद आवेगी। वाह जी वाह। मेरी यादां विच बेचैन होके कदी कदी भुलना चाहेंगी भी ते मेरी याद आवेगी। वाह, तो आप की जो यूट्यूब पर हमारे जो व्यूअर्स वो देख सकेंगे आपकी। पांच चीजें मैंने आपकी नजराने के तौर पर पेश की है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सीडी भी आपको मैं पेश करना चाहता हूँ। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। ये आपकी नज़र है। थैंक यू सो मच, आपने कबूल किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपने गाई मेरी चीज़ें जी। अच्छा, मैं ना कुछ माँ के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। तेरे मकाम में क्या कमाल रखा है। वाह, माँ को कह रहे हैं, तेरे मकाम में क्या कमाल रखा है, तेरे नाम में हुस्न व जमाल रखा है। बहुत बहुत। तेरी जबी है चांद की मिसल रोशन, सराजे मुनीर की बना के मिसाल रखा है। तुम्हारे चेहरे पे गीता मुस्कराती है। तुम्हारे चेहरे पे गीता मुस्कराती है, तुम्हें खुदा ने मोहब्बत में ढाल रखा है। वाह 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 वाह, मुकर्रर जनाब। तुम्हारे चेहरे पे गीता मुस्कराती है। बहुत अच्छा। तुम्हें खुदा ने मोहब्बत में ढाल रखा है। वाह वाह। सजा हुआ है शराफत का ताज सर पे तेरे। सजा हुआ है शराफत का ताज सर पे तेरे, जिसे मोहब्बत ने बढ़कर संभाल रखा है। बहुत अच्छा। तेरे चेहरा अकदस पे आईनों का वजूद, तेरे चेहराए अकदस पर आईनों का वजूद, मेरे खुदा ने तुझे बेमिसाल रखा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये माँ की हस्ती है जिसमें खुदाए कृष्ण ने खुद अपने नूर का हुस्न जमाल रखा है। बहुत अल्लाह, बहुत ये मर्तबा भी कोई कम नहीं मेरे आसी के, माँ के कदमों में जन्नत को डाल रखा है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत। एक वतन के हवाले से है, एक जैसे चीजों का एक तकद्दस होता है, इत्राम जी होता जी जी बिल्कुल। मैं एक वतन के बारे में मैंने कुछ चांद शेर लिखे हैं जी, अच्छा, जो कि हर आदमी को कुछ दिन गुजारे होते हैं याद आते जी बिल्कुल बिल्कुल। फलक की जगमगाहट से फजा भी मुस्कराती है। वाह वाह। चमन की खाक गुल धीमे सुरों में गुनगुनाती है। वाह। नसीमे सुबह के बोसों ने कलियों को जगाया है। माशाल्लाह। कहीं शोला बदन फूलों को शबनम में सुलाया है। बहुत नवेली सुबह के दामन में शजर भी लहलहाते हैं। माशाल्लाह। हवा के साज पर पत्ते शजर के खनखनाते हैं। सुभान अल्लाह।
गुल हाय रंगा रंग ने गुलस्ताने दिल को महकाया, चलावा बन शफक ने दीदाए बीना को गरमाया, नशेमन नशेमन भेरवी फूलों का घूंघर जब उठाती है, मुझे बेसाख्ता अपने वतन की याद आती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह जी वाह। वतन की याद किसको नहीं आती है। एक मजाइया है वो मैं आपको सुनाना पसंद करूंगा। जैसे वो वहाँ पहले मैं भी रहा हूँ खलीज में, तो जब बीवियों का वहाँ से खत आता था, फोन का जमाना नहीं था आज से 50 साल पहले, बीवी की याद आती थी। नहीं, वो बीवी का खत जाता है खामंद को। अच्छा, वो छुट्टी आ रहा है तो वो उसको वो पैगाम दे रही है कि ये ये। जी जी जी। तो वो मैंने हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। कहीं साहब ठीक है ना बात। वो हाँ जी, वो कह रही है मिला है जब से खत प्यारे कि छुट्टी आ रहे हो तुम, मेरी ख्वाबों में सुबह शाम अक्सर छा रहे हो तुम, जब आओगे वो दिन मेरे लिए दिन ईद का होगा, अजब मंजर मेरे प्यारे तुम्हारी दीद का होगा। क्या मेरे भैया की राडो बात अब के भूल ना जाना, मेरी तो खैर है बाजी की साड़ी भूल ना जाना। ये नन्नी नादिया हर दम अबू को याद करती है, तुतली जबां से गुड़िया की ये फरियाद करती है। बहुत वजनी से बैग प्यारे हाथ में होंगे, अटैची केस यकीनन 5-7 तुम्हारे साथ में होंगे, ये क्या लिखा कि एग्रीमेंट बस आखिरी होगा, तुम्हारा साल ये मस्कत में फकत आखिरी होगा, कलर टीवी तो मैं डब्बे से ही पहचान जाऊंगी, फ्रिज भी साथ लाओगे तो मैं तुमको मान जाऊंगा, कभी देखूंगी अपने घर में रंगीन फिल्में, मेरे महबूब क्या क्या जागती हैं दिल में हसरतें, खुदा के वास्ते प्यारे तुम ऐसा कभी ना सोचो, करोगे काम क्या आकर जरा फिर मेरे सनम सोचो। मैं ये काम ही करोगे। मैं एयरपोर्ट पर आऊंगी अपनी जान को लेने, सुजुकी वैन भी लाऊंगी इस सामान को लेने। सुजुकी वैन। अभी गुलबर्ग में हमको नया बंगला बनाना है, अजीजों को अभी इमारत का जलवा दिखाना है, तुम्हारे ठाक देखूंगी तो ये दिल मुस्कराएगा, खुलेंगे जब बक्स घर में तो ये दिल गुनगुनाएगा, अभी तो घर में अपने VCR भी चाहिए, अभी तो सैर करने को टोयोटा कार भी चाहिए, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, जापानी साड़ियां क्या खूब मेरे लिए लाया है, जुदा रह लेंगे कुछ दिन और झूठी शान की खातर, वहाँ के गैर मुल्की कीमती सामान की खातर, मुझे तो कुछ नहीं लेना मगर दुनिया भी रखनी है, पोजीशन कुछ तो आखिर इस मोई दुनिया में रखनी है, मेरे दिलबर मेरी बातों पे जरा गौर कर लेना, अब एग्रीमेंट 1-2 साल कर लेना। मुझे कुछ चाहिए कपड़ा नए कपड़े बनाने को, कोई 40 गज भी हो तो देने और दिलाने को, दुआ ये है कि तुम रहो हर दम रियालों में, बसाया है सदा मैंने तुम्हें अपने ख्यालों में, 2 दर्जन तौलिये रुमाल बुनियान काफी हैं, दुपट्टों के इस मर्तबा 2 थान काफी हैं, वहां से लक्स साबन कोई 10-20 ले आना, गरम कोटों के कपड़े छह पीस भी ले आना, खुदा हाफज मेरे जानी जवाब अब जल्द लिख देना, कब आएंगी मेरी चीजें जवाब अब जल्द लिख देना। क्या बात है, बात है। अब तक तो आपका माइंड चेंज हो गया होगा। ऐसे डिमांड होती थी जब हमारे तो मुल्क में बहुत चीजें हम ले जा सकते थे, पहले ऐसे ही होता, इंडिया में नहीं ले जाने देते थे जब भी, जी जी, मगर हमारे मुल्क में तो बड़ी मार धाड़ हम ले जाते थे भर भर के, वहाँ कस्टम को पैसे दे के निकल जाते थे वगैरह। आपने वो माँ के बारे में बहुत बहुत बढ़िया वो नज़्म आपकी थी, कुछ शेर मैंने पंजाबी, लेकिन ब्रेक आ गई है, लेकिन ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे, आपने जरा थोड़े सुनाना हमें भी। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों आज हम बातचीत कर रहे हैं, नज़में खूबसूरत सुन रहे हैं, बातचीत भी हो रही है जनाब नीम सलेरिया साहब और राना रजाक साहब हमारे स्टूडियो में हैं। थोड़ी देर ब्रेक रहेगी, 2-3 मिनट, फिर वापस मिलेंगे।
सो वेलकम बैक टू एम ए टी वी स्टूडियो। और प्रोग्राम का नाम तो आपको पता ही है, साथी के संग संग। हमारे संग संग, हमारे संग बहुत से दोस्त आते हैं, उर्दू के बहुत बढ़िया शायर आते हैं, हिंदी के आते हैं, गुजराती के आते हैं, अंग्रेज़ी के भी आ जाते हैं कभी कभी, और पंजाबी के भी। तो आज हमारे पास दो शायर हैं, नीम सलेरिया साहब बहुत अच्छे सिंगर हैं, इनसे कुछ गाने भी हम सुनेंगे, और हमारे राना रजाक साहब। तो आपने जी वो माँ के बारे में सुनाया था, तो एक दो शेर हासन है पंजाबी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सुनाइए, क्यों नहीं। कि दुनिया दी रचनहारी माँ है, दुनिया दी रचनहारी माँ है, रब ने अंबरों उतारी माँ है, रब ने अंबरों उतारी माँ है, कि माँ लई असी हाँ राज कुंवर प्रिंस, और माँ लई असी हाँ राज कुंवर, रब दी राज दुलारी माँ है, रब दी राज दुलारी माँ है, रब एक सर्वोत्तम शय है, सर्वोत्तम रब एक सर्वोत्तम शय है, दूजी शय प्यारी माँ। क्या बात, के अगर हार जावे औलाद कदे, अगर हार जावे औलाद कदे, ता माँ समझे के हारी माँ है। तो माँ कदे भी माड़ी नहीं हुंदी, माँ कदे भी माड़ी नहीं हुंदी, प्यारी सारी दी सारी माँ। के माँ ता माँ ही रहेगी हर तरह, गोरी काली पतली भारी माँ। क्योंकि कुछ ही शेर में सुना रहा, बड़ी लंबी नजम है, कि माँ ता माँ ही रहेगी हर तरह, गोरी काली पतली भारी माँ है, कि उम्र दा तकाजा नहीं हुंदा, उम्र दा तकाजा नहीं हुंदा, हर उम्रे हुंदी प्यारी माँ। तो मकता है धर्म ग्रंथां च लिखिया साथी, धर्म ग्रंथां च लिखिया साथी, पांव छूने के काबल तुम्हारी माँ है। वाह वाह, क्या बात, पांव छूने के काबल तुम्हारी माँ है, कि जिथे फुल ही हुंदे ने कंडे नहीं, अजिहे फुलां दी क्यारी माँ है। क्या बात। तो जनाब सलेरिया साहब के कुछ हो जाए यार, गा के हो जाए। जी आपने, हमने अपने व्यूअर्स को बता दिया कि बहुत बड़े बढ़िया सिंगर है, और हैं भी आप, तो सुनाइए कुछ जी। आपकी जो जो बुक है जिसमें आपने लिखा है, बड़ी खूबसूरत है, इसके पीछे कोई कहानी है या? बस कहानी ये, मेरी निवासी है मारिया। अच्छा, वो उन्होंने मुझे प्रेजेंट की है, बड़ी प्यारी बच्ची है, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, बहुत ही प्यारी बच्ची है, और बड़ा प्यार करती है मुझसे। अच्छा जी, और इसमें बड़ी प्यारी प्यारी चीजें भी लेकर, छोटी है, नए नए तोहफे नाना के लिए। तो असल में डॉक्टर साहब, मेरे जो मौसीकी से जो ताल्लुक बना था, उसमें जो हस्ती हैं मेरे उस्ताद उमीद अली खान साहब, ग्वालियर घराने के बहुत बड़े गायक थे, तो उनकी दुआओं से मुझे गाना आया है। जी जी जी। मैं बेसिकली जो हिंद हेरिटेज नहीं है जी, तो आप सलारिया समझते हैं, राजपूत, राजपूत से वो गाने वाले नहीं हो सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। किसी को मैं डिग्रेड नहीं कर रहा, नहीं नहीं, ये एक इनहेरिटेज को चीज, कुछ कमियां तो होती हैं उनमें, नहीं होता ये तो हमारे नहीं होता। तो वो जो बीमार हो गए थे, कान बंद हो गए उनके, तो मैंने यहाँ पर इलाज के लिए बुलवाया था। अच्छा जी। तो वो फिर नमाज पढ़ के मेरे लिए दुआएं करते थे, तो उससे मेरा ये सब जो आप जैसे अजीम हस्तियों के दरमियान बैठने का मौका हुआ है और नाम हुआ है, ये सब उनकी दुआओं के सदके में जी। उस्ताद उमीद अली खान साहब, हाँ जी, उस्ताद उमीद अली खान। और यहाँ पर मेरे लंदन में जो थे श्री देवराज जी, जी जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। हाँ, मैंने सुना है उनके, देवराज राजपूत, तो वो अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, स्वर्ग में जगह दे। जी जी जी। बड़े फोत हो गए पिछले दिनों में, बड़े नेक इंसान थे, मुझे बहुत उन्होंने गाइड किया जी। माशाल्लाह, आप तो बहुत बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, म्यूजिक टीचर भी हैं, आपको उस्ताद का खिताब भी मिल चुका है। और तो ये इसमें मिर्जा अमजद साहब जो है मेरे दोस्त, जी 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 जी, उनका कमाल भी है इसमें। जी 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 जी। अच्छा सुनाइए, सुनाइए ये राग दरबारी जी, जो मेरे उस्ताद को बहुत, वाह वाह वाह, और बाद में जगदीश साहब ने भी गाया। नजर करम फरमा वो, नजर करम फरमा वो, गौर तरब बरसाबो, नजर करम फरमा वो, नजर करम नजर मम बदनी, मम बदनी रसा,
निजारे सादा दानी बजेगा मामरे रे सासा निजारे सादा नी रे सा नजर करम परमाबु नजर परम नर तरब बर साबु गोर तरब बर साबु नजर करम परमाबु नजर करम पर नजर करम नजर करम पर बाबू नजर करम पर वाह जी क्या बात है क्या बहुत खूब बात हो एक नया मोड़ दे दिया हमारा जो प्रोग्राम है इसमें बहुत अच्छा जी जनाब आप उस्ताद हैं और जो उस्ताद उमीद अली खान साहब से आप ट्रेनिंग ले चुके हैं और जो जब हम जिस जो क्लासिकल जो म्यूज़िक होता है इसमें आप बड़े तो सभी होते हैं लेकिन आपके जहन में किसके लिए बहुत ज़्यादा एहतराम है मुझे आपने उस्ताद का वो नेचुरली लेकिन उससे आगे जाके उनके आगे मैं सब आर्टिस्टों का एहतराम करता हूँ क्योंकि सब ने मेहनत की है जी जी मैंने आज तक मुझे मेरे दोस्त भी कहते हैं कि हमने इनके जो मुंह से किसी की बदतारीफी नहीं सुनी मैंने वैसे बात की थी कुछ अपने ना मन भावन गायक होते हैं बिल्कुल अगर मुझसे कोई पूछे कोई फिल्मी जो गाने गाते हैं उनमें मोहम्मद रफी का नाम ले लूंगा लता मंगेशकर उधर से नूर जहां है फिर रेशमा है पंजाबी में गाने वाली इधर सुरेंद्र कौर हैं अपने अपने जो होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे अच्छा नहीं गाते लेकिन मेरे नजर में सभी अच्छा गाते हैं चलो और उस्ताद उमीद अली खान साहब भी मतलब गजल में मुझे मेहदी हसन साहब गुलाम अली साहब जी बड़े पसंद है अच्छा ठीक है तो ये लता मंगेशकर आपके भी इंटरेस्ट होंगे जरूर गायकी सुनने के हाँ जी क्यों नहीं हम तो क्योंकि गजल आजकल बहुत लिखी जाती है बहुत गाई भी जाती है जी जी बिल्कुल मैं तो जो गाते हैं ना जो गजल को असल में शायर तो लिख देता है हमसे ले लीजिए शायर लिख देता है और उसमें जो जान डालता है वो गाने वाला जी बिल्कुल बिल्कुल और जो लोगों को उसकी लय और उसका सुर पसंद आता है तो उससे वो गज़ल की और शायर की भी मशहूरी हो जाती है मसलन आप लता ने बहुत सी कलाम गाए हैं मेहदी हसन साहब ने बहुत जी, 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 जी। मगर जब उन्होंने गाए हैं लय से और सुर से तो लोगों ने पूछा है ये कलाम किसने लिखा है जी तो साथ ही पोइट की भी इज्जत होती है और हमारा टाइम खत्म हो रहा है तो एक दो शेर सुनाइए और जब आप तैयार हो रहे तो मैं एक बताना चाहता हूँ कि आजकल जो शायर है ना उनका नाम रेडियो पर कम लिया जाता है जी जी। मैं हमेशा लेता हूँ शायर का नाम क्या बात शायर के बिना वो भी क्या गाएगा बिल्कुल सही बात बिल्कुल बेजा तुम्हारे नाज उठाए नहीं जाते असनाम के बुत हैं कि मिटाए नहीं जाते दिल में तुम्हारे प्यार का मंदिर हसीं है ये नक्श भी उल्फत के मिटाए नहीं जाते सुभान अल्लाह कुछ ऐसे खजाने हैं मोहब्बत की निगाह में मिल जाएं तो वो हम से लुटाए नहीं जाते बहुत हम तेरे ही कूचे में फिरते हैं शब रोज ये हाथ से वो हैं कि बताए नहीं जाते बहुत वाह वाह क्या बात हम तेरे ही कूचे में फिरते हैं शब रोज ये हाथ से वो हैं कि बताए नहीं जाते वाह बेजा तुम्हारे नाज उठाए नहीं जाते असनाम के बुत हैं कि मिटाए नहीं जाते बहुत बहुत तो हमारे पास एक मिनट है एक तो थोड़ी सी वैरायटी हो जाए जल्दी से मैंने एक गजल लिखी थी वो मैंने गाई भी है मेरी कैसेट उजाला में उसका मैं एक शेर सुना देता हूं सुनाइए भूल न जाना अपना बना के भूल न जाना अपना बना के वादे किए हैं तुमने वफा के भूल न जाना अपना बना ये आपका अपना कलाम है तो आपके साथ हमारे दोस्त आए हैं राइटर हैं बहुत अच्छे शायर हैं
असलम चुगताई साहब, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा टाइम ख़त्म हो गया, पता नहीं चला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। एंड आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट वेंसडे एट 9:30 PM। हैव ए वंडरफुल नाइट, गुड नाइट।